सो वेलकम गाइस ट्यूटोरियल नंबर थ्री फॉर कंप्लीट बिगनर्स इन हिंदी एस टेक फॉर यू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल में आप लोग को स्वागत है गाइस और हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि सी प्लस प्लस में पांच प्रकार के टोकन्स होते हैं Keywords, Identifiers, Punctuators, Literals and Operators. So, basically, की वर्ड आइडेंटिफायर पंचुएटर्स लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स को और ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं

टू और थ्री है हम लोग को एड करना है तो वहां प्लस तो लिखना जरूरी है तो प्लस वो क्या हो गया इज एन ऑपरेटर यूज फॉर एडिशन वेल माइनस करने के लिए माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा तो वो क्या हो गया वो एक ऑपरेटर हो गया एन ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्शन और

इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो आ, आपका एक्स है ये क्या कर रहा है इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये X जो है और कर कर लॉजिकल एंड को इन प्रोग्राम यू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डाटा अगर आप कोई सा भी कोडिंग कर रहे हो कोई एक आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको क्या बहुत सारे ऑपरेशन और डाटा को परफॉर्म करना होता है सो ऑपरेशन लेट यू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन योर डाटा अर्थोमेटिक ऑपरेटर अब अर्थोमेटिक ऑपरेटर क्या होता है हम लोगों ने जाना कि ऑपरेटर्स क्या होता है अब ऑपरेटर्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है अर्थोमेटिक में असाइनमेंट प्रिनेशनल लॉजिकल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑन वेरिएबल्स एंड डाटा सो बेसिकली अर्थमेटिक नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि परफॉर्म करने में काम आता है किस चीज में अर्थमेटिक ऑपरेशन में और कहा वेरिएबल्स और डेटा में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अगर मुझे एड uh, करनी है दो नंबर को तो मैं I 3 1, ये जो प्लस वाला जो है ये प्लस ये जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे लाइक एग्जाम्पल एक और मैं दू तो माइनस यहाँ पर यूज uh, हुआ है लाइक like, तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन्स की अर्थमेटिक ऑपरेशन माइनस क्या है एक uh, सब करना क्या है एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है सो so, मैं पांच प्रकार को आप लोग को यहाँ पर मैंने uh, दे रखा है प्लस माइनस एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कंफ्यूज आप लोग हो रहे हो कि ये डिविजन और मॉड्यूलस क्या है आप लोगों तो ये जान रहे होंगे कि प्लस होता है एडिशन सब्स्रेक्शन माइनस मल्टीप्लीकेशन सो बेसिकली डिविजन इज रिमाइंडर परसेंट वाला ये जो ऑपरेटर है वो मोड्यूलर डिविजन ऑपरेटर है सो so ये वाला जो ऑपरेटर है परसेंट सेंस से जो डिनोट किया गया है वो आपका डिवाइड div, वाला रूल रिजल्ट uh, देगा एंड ये जो डिवीजन uh, ऑपरेटर uh, ये वाला ये जो डिनोट करा गया है वो क्या करेगा आप लोग का रिमाइंडर देगा यहां पर ही सो आई होप आप समझ पाएंगे कि ये अर्थोमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है अर्थोमेटिक ऑपरेटर्स अर्थोमेटिक ऑपरे करने में यूज होता है एंड आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर ये सबसे इजी ऑपरेटर एंड बहुत यूजफुल ऑपरेटर है आप लोगों को मैं अभी uh, समझाता हूं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन सी या सी प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल द साइड द लेफ्ट साइड ऑपरेट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वेरिएबल एंड राइट साइड ऑपरेट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर इज अ वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग

ये टू वाला जो वैल्यू है ए में साइन हो जा रहा है ये टू ए में साइन हो जा रहा है ए इजक्टल टू तो पता चल रहा है बट टू ए में साइन हो जा रहा है लाइक like, मैं अगर एग्जाम्पल आप लोग को दू तो मैंने यहां नहीं लिख रखा सो बेसिकली हम एग्जाम्पल देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए तो अगर मुझे लिखना हो ए इजक्वल टू ए इजक्ल टू फोर अगर मैं लिखता हूं तो ये जो फोर है वो ए में असाइन हो जाएगी और ये जो इक्वल टू लिखा हुआ है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और अगर मैं बात करूं, अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक में क्या हो रहा था एक्वल टू थ्री प्लस फाइव अगर मैं इस तरह से लिखूं, तो इसपे क्या हो रहा है ये इक्वल टू जो लिखा हुआ है ये है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है मेरा तो ये जो प्लस है मेरा वो है मैथमेटिक ऑपरेटर यहां पर मैं माइनस भी लिख सकता हूँ इनटू भी लिख सकता हूं डिविज़िवन भी लिख सकता हूं एंड uh, मोड्यूल भी लिख सकता हूँ होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से वर्क करता है एक बार मैं फिर से बता दूं कि मान लो कि थ्री प्लस वन और अगर इससे ना लिखकर मैं यहाँ लिख दूं एज इक्वल टू थ्री प्लस प्लस सो ये जो प्लस प्लस मैंने यहां लिखा है और ये थ्री प्लस वन मैंने लिखा है ये दोनों का मीनिंग एक ही जैसा होगा क्यों होगा क्योंकि मैंने यहां इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और अगर मुझे थ्री माइनस वन यहां अगर करना होता थ्री माइनस वन सो बेसिकली मुझे यहां क्या करना होता थ्री माइनस माइनस यहां पर लिखना होता इक्वल टू सो आई होप गज क्लियर हो गया होगा कि क्या है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हो गया माइनस माइनस मेरा माइनस माइनस ये जो हो गया मेरा वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया सो so, अगर आप थ्री प्लस वन लिखना चाहते हो और अगर आप ये ना लिख के थ्री प्लस प्लस भी लिखो तो ही सेम मीनिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी एंड आप लोगों को मैं मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि सी प्लस प्लस ये जो नाम पड़ा है वो सी तो पहले से था लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रहा था के पहले तो सो जिसमें ऑप्श कुछ -कुछ जिस के फीचर सपोर्ट करते थे वो दोनों कंबाइन करके सी प्लस प्लस बनाया और इस प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ नाम दिया सो so, इस तरह से सी प्लस प्लस का नाम आया था ओरिजिनेट हुआ था मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन uh, वीडियो में बताया भी था आप लोगों को शायद याद भी होगा सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप लोगों ने समझ लिया होगा सो so, हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या है ऑपरेटर्स आप लोगों को मैंने बताया अर्थोमेटिक प्लस माइनस इन टू डिजन डिविजन डिविजन एंड मॉडुलस असाइनमेंट इक्वल टू वाला और रिलेशनल जिसमें से ग्रेटर टू लेस देन नॉट इक्वल्स टू ये सब मैंने बताया आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बताया एंड और और एंड एंड नॉट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताया सो मैं चाहता हूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जी ड्राइव के लिंक को क्लिक करके आप नोट्स क्रिएट करते रहो एंड क्योंकि अभी सेवन वीडियोस लगेंगे सिक्स या सेवन वीडियोस लगेंगे मेरे को बेसिक्स क्लियर करने में क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बिगिनर्स है जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी सीख पाए अब वो कैसे सीखेंगे अगर उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये क्या होता है लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उन्हें पता ही नहीं था तो कैसे जानते कि आगे मैं प्लस प्लस क्यों यूज कर रहा हूँ आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बातें को कि मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लो आप लोग के काम आएंगे लाइक like, अगर आप टेंथ के बाद अभी अलेवेंथ ट्वेल्थ में गए तो भी काम आएंगे अगर आप को कुछ भी नहीं आता आप बिल्कुल बिगिनर्स हो लाइक like, आपको सी प्लस प्लस क्या था आप पहली बार भी सुन रहे हो ना तो भी आप कोर्स वन से अगर आप प्ले को मेरे एक्सेस करके देखोगे तो आप लोग को समझ आएगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा ये कोर्स आप मुझे कमेंट जरूर बताना आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है सो so, बेसिकली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर तब तक देखते रहे गुड बाय एंड टेक, टेक केयर